गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू TSM क्लास 6th से चैप्टर 8 साइंस सेक्शन। सो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो हिन जॉइंट तक पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करेंगे अ न्यू टॉपिक विच इज़ फिक्स जॉइंट। सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस सो फार। सो हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया है, जो भी हमारे हेड, हमने अभी तक जितने भी जॉइंट्स, जितनी भी बोन्स का डिस्कस किया है, लेकिन हमारे हेड में कुछ ऐसा जॉइंट है या बोन है वो काफ़ी डिफरेंट है इन सब से। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स। अब हम ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो हेड में जो भी बोन्स है वो मूव नहीं कर सकती, कितना भी चाहे उसमें जॉइंट्स हो लेकिन वो मूव नहीं कर सकती। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट। नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स्ड जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट्स जो फिक्स होते हैं, जो मूव नहीं कर सकते। When you open your mouth wide, you can move your lower jaw away from your head, isn't it? अब आप ये चीज़ देखेंगे कि अगर आप अपने मुंह खोलने की कोशिश करेंगे तो आप ये चीज़ देख रहे हैं कि आपकी जो नीचे वाला जॉ है, नीचे वाला जो जबड़ा है वो मूव कर पा रहा है लेकिन ऊपर का नहीं कर पा रहा। ट्राई टू मूव योर अपर जॉ नाउ। अपना ऊपर वाला ट्राई करिए, करके देखिए अगर होता है कि नहीं। आर यू एबल टू मूव इट? क्या आप मूव कर पा रहे हैं? देयर इज़ अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड इज़ अ फिक्स जॉइंट। अब यहाँ पे ये हमारा एक जॉ है, ये हमारा एक जॉ है, ये हमारा एक जॉ है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये वाला जॉ हम मूव कर पा रहे हैं बट हम ये वाला नहीं मूव कर पा रहे। इट इज़ नॉट पॉसिबल सिर्फ ये मूव कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमारा हेड है, जो हमारा फेस का ऊपर वाला जॉ है उसके ऊपर हमारा हेड है, तो ये बोन ऊपर वाले बोन से जुड़ी हुई है। इनके बीच में जो जॉइंट है वो कहलाता है फिक्स जॉइंट, ऐसा जॉइंट्स जो मूव नहीं कर सकते। दीज आर फिक्स जॉइंट। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड इजंट इट? ट्राई टू मूव योर अपर जॉ नाउ। आर यू एबल टू मूव इट? देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज़ फिक्स्ड। मैंने बताया आपको ऊपर वाला जॉ और जो हेड का बोन्स है उसमें एक जॉइंट है, दैट इज़ फिक्स्ड जॉइंट। वी डिस्कस ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्ट बॉडी पार्ट ऑफ आर बॉडी। हमने कुछ ऐसे जॉइंट्स के बारे में ही डिस्कस किया है जो हमारी बॉडी को एक कनेक्टिव पार्ट, बॉडी का कनेक्टिव पार्ट होता है। वॉट गिव्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ आर बॉडी देयर डिफरेंट शेप? ऐसा कौन सी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें हैं जो हमारी पूरी बॉडी का शेप मेंटेन करती हैं? इफ़ यू वॉन्ट टू मेक अ डॉल, इफ़ यू वॉन्ट टू मेक अ डॉल, वॉट विल यू मेक फर्स्ट? परहैप्स अ फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर, इज़न्ट इट? अब ये चीज़ है कि अगर आपको एक डॉल बनाने के लिए बोला जाए, डॉल मतलब एक गुड़िया बनाने के लिए बोला जाए, तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? उसका शेप बनाने के लिए, उसका फ्रेमवर्क बनाने के लिए सबसे पहले आप उसका स्ट्रक्चर बाहर का, अंदर का बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? जब तक आप अंदर का ढांचा ही नहीं बनाएंगे तो आप ऊपर स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं? ऑल द बोन्स इन आर बॉडी ऑल्सो फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू आर बॉडी। अब हमारे जो भी सारी बोन्स है बॉडी में वो कनेक्ट हो जाती हैं और एक ढांचा तैयार करती हैं, एक फ्रेमवर्क तैयार करती है, एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाती है जिससे हमारा पूरी बॉडी पोस्चर मेंटेन रहता है। पेज नंबर 70। दिस फ्रेम इज कॉल्ड द स्केलेटन। अब हमारी हड्डियों का जो ढांचा होता है, जो फ्रेमवर्क होता है, दैट इज़ कॉल्ड अ स्केलेटन। हाउ डू वी नो दैट दिस इज़ द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन? अब कैसे पता चला कि यही हमारा शेप है स्केलेटन का, या ये जो बोन ऐसे जुड़ी हुई है, या ये ऐसे स्ट्रक्चर है, ये वैसे स्ट्रक्चर है? किसने बताया, कैसे पता? हाउ डू वी नो द शेप ऑफ अ बॉडी, शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स ऑफ अ बॉडी? हमारी बॉडी की हर बोन का डिफरेंट शेप है, कहाँ से मोटी है, कहाँ से पतली है, कितनी छोटी है, कितनी लंबी है, क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर्स है, किससे कनेक्टेड है, हमें कैसे पता चलेगा? वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ द बोन्स इन सम पार्ट ऑफ आर बॉडी बाय फीलिंग दैम। अब आप कुछ चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, जैसे आप ये महसूस कर सकते हैं ये पूरी एक बोन है, ये एक बोन है, यहाँ से हल्की मोटी है, यहाँ से हल्की मोटी, बीच में से पतली है, हमारे हाथों में फिंगर्स हैं, यहाँ यहाँ कुछ 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 बोन्स है, ये हम फील कर पा रहे हैं। वन वे वी कुड फाइंड द शेप बेटर वुड बी लुक एट एक्सरे इमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब हम एक चीज़ है कि अब हम फील तो कर सकते हैं बट हम हर जगह की बॉडी पार्ट को, हर जगह की बोन को नहीं फील कर सकते हैं, तो उसके लिए हम, अगर हमें पूरा इमेज देखनी है, पूरा स्ट्रक्चर देखना है, तो हम कैसे देखेंगे? एक्सरे के थ्रू। डू यू और एनी
फैमिली एवर हैड एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन? क्या आपके घर में आपका कभी कोई एक्सरे हुआ है या आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी का एक्सरे हुआ है? Sometimes we can, sometimes we are hurt or have an accident. Doctors use this X-ray image to find out about any possible injury that might happen to the bones. कई बार ऐसा होता है जब हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो डॉक्टर हमारा क्या करते हैं कि एक्सरे निकलवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है हमारी बोन्स में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कोई पॉसिबल इंजरी हुई है या नहीं हुई है, वो सब चेक करने के लिए. द एक्सरे शोज द शेप ऑफ द बोन इन आर बॉडी. एक्सरे क्या चीज़ देखता है? ना वो मसल्स बताएगा, ना वो कुछ और बताएगा, ना वो आपके आउटर स्किन कुछ बताएगा, वो सिर्फ बोन्स का स्ट्रक्चर बताता है. फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग, अपर लेग. ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट. अब आप क्या करेंगे? अपने ऊपर, अपने अपर हैंड, अपर फोर आर्म, लाइक योर फोर आर्म, अपर हैंड, लोअर लेग्स, अपर लेग्स, इन सब का क्या करेंगे? टच करके देखेंगे और ये चीज़ आप बताएंगे कि कितनी बोन्स होती हैं उस पार्ट में. ट्राई करिए, फील करिए, हाथ लगा के ट्राई करो, कैसे पता चलता है आपको. सिमिलरली फील द बोन ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स एंड कंपेयर दीज विद द एक्सरेज. अब ये चीज़ है कि आप अपने पाँव की, घुटनों की और जो आपका एंकल है, एंकल मतलब जो आपका ये पाँव होता है उसके ऊपर, ये आपका पाँव है और ऊपर आपका लेग, मतलब ये आपका फुट है और ऊपर लेग आता है, तो आपकी जो एंकल है, आपके जो घुटने हैं, नी है, आप उसको फील करके देखिए. और उसके बाद ये आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है एक्सरे इमेज ऑफ एन एंकल एंड नी, फिगर 8.8. उसको देख के कंपेयर कीजिए कि क्या आपको ऐसा फील हो पा रहा है, क्या आप फील कर पा रहे हैं कि ऐसी ही एग्जैक्टली आपकी बोन है. नाउ बेंड योर फिंगर्स. अपनी फिंगर्स को मोड़ कर देखिए. कैन यू बेंड देम? आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट? क्या आप हर जॉइंट पर उसे बेंड कर पा रहे हैं? 1, 1, 2, 3, 4, 5, हर पॉइंट पर आप क्या उसे बेंड कर पा रहे हैं? हाउ मेनी बोन्स डज अ मिडल फिंगर हैव? जो पीछे के आपके फिंगर है, मिडल फिंगर, दिस इज़ द मिडल फिंगर, क्या आप देख पा रहे हैं? तो इस मिडल फिंगर पे कितनी बोन्स हैं? काउंट करिए, टच करके फील करिए, हाउ मेनी बोन्स आर देयर. इट सीम्स टू हैव, सॉरी, फील द बैक ऑफ योर पाम. अपने हथेली, जो आपका पाम है, उसकी बैक साइड टच करके देखिए, क्या आपको बोन्स फील हो रही है? कितनी बोन्स हैं, कितने जॉइंट्स हैं? इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स, इज़न्ट इट? जो आप यहाँ हाथ लगा के ट्राई कर रहे हैं, आप ये चीज़ फील करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी बोन्स हैं, एक दो बोन्स नहीं, काफ़ी सारी बोन्स हैं. इज़ योर रिस्ट फ्लैक्सीबल? क्या आपको अपनी रिस्ट फ्लैक्सीबल लगती है? आपकी जो कलाई है, क्या वो फ्लैक्सीबल है? इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल बोन्स कॉल्ड एज कार्पल्स. ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कुछ ऐसी छोटी छोटी सेवरल बोन्स से बनी हुई है जिसको बोलते हैं कार्पल्स. What will happen if you have only one bone? अब आप ये चीज़ imagine करिए कि अगर आपकी इतनी सारी bones की जगह सिर्फ एक ही हड्डी होती, एक ही bone होती, तो क्या होता? आप move ही नहीं कर पाते. एक हड्डी जो सीधी लकड़ी है या सीधी हड्डी है, वो लकड़ी की तरह होती है, और आप ये चीज़ आपको पता है कि अगर आप लकड़ी को मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी, लेकिन वो bend नहीं होगी. Take a deep breath and hold it for a little while. अपनी अंदर एक डीप सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, और उसको कुछ टाइम के लिए उसको होल्ड करके रखिए. थोड़ी देर बाद अपना जो चेस्ट है और अपना जो बैक है, उसको प्रेस करके देखिए, दोनों साइड से प्रेस करके देखिए. फील योर चेस्ट बोन एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक ऑफ बैक एट द सेम टाइम. दोनों को एक टाइम पर हमें प्रेस करके देखना है. काउंट एज मैनी बोन्स ऑफ द चेस्ट एज पॉसिबल. काउंट करके देखिए कि आपके बैक में या चेस्ट में कितनी बोन्स है, आप उसे दबा के ट्राई करिए. ऑब्जर्व फिगर 8.10 केयरफुली एंड कंपेयर विथ वॉट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन. आपको एक फिगर दिया गया है 8.10, द रिब केज. इसको फील आपने जो अभी अपने खुद की बॉडी में फील करके देखा, और अब आपको ये स्ट्रक्चर दिया है, आप ये चीज़ ऑब्जर्व करिए कि दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है. वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंड. आप ये चीज़ देख पा रहे हैं कि जो रिब्स है वो बेंड हुई हुई है. सीधी लकड़ी है बट वो इस टाइप से, थोड़ी साइड के टाइप से ऐसी है, बट वो इस टाइप से थोड़ी सी बेंड हो गई है. इफ़ यू कैन सी, दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स. एक ही हड्डी आगे चेस्ट बोन से होते हुए पीछे की साइड बैक बोन पर जा रही है, जो कि एक पूरा कवर बना रही है.
एक केज टाइप बना रही है, एक बॉक्स टाइप बना रही है, उसको बोलते हैं रिब केज. रिब से बना हुआ जो केज होता है उसको बोलते हैं रिब केज. देर आर 12 रिब्स ऑफ ईच ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट. 12 रिब्स होती हैं, 12 रिब्स हड्डियाँ होती हैं हमारे चेस्ट में. सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी लाई प्रोटेक्ट इन साइड द केज. कुछ हमारे जो बॉडी का कुछ ऐसे स्पेसिफिक पार्ट है, कुछ ऐसे ऐसे ऑर्गन्स हैं, कुछ ऐसे पार्ट है हमारी बॉडी के जो कि इस रिब्स के अंदर प्रोटेक्टेड है, इस रिब्स के अंदर ही हैं. जैसे हो गया लंग्स, हो गया हार्ट, हो गया, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे रिब के अंदर रहती है ताकि वो प्रोटेक्टेड रह सके. आस्क योर फ्रेंड टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग द नीज. अपने फ्रेंड को बोलिए कि बिना हाथ लगाए, बिना बोन्स अपनी नी को, अपनी घुटने को मोड़े हुए अपने पाँव को टच करें. स्टार्ट योर स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक. उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक मूव योर फिंगर डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड. यहाँ से लेके आपका जो पीछे की बैक है वहाँ तक आप सेंटर में ट्राई करिए, सेंटर में आप अपनी फिंगर से उसे स्क्रॉल कर पाएँ, और उसके बाद देखिए कि बीच में क्या आपको फील होता है. What do you feel is the backbone? कुछ आप ऐसी चीज़ फील करेंगे, हड्डियाँ टाइप या कुछ, वो होती है हमारी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी. इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड एज वर्टिब्रा. कुछ ऐसी छोटी छोटी बोन्स से बना होता है हमारी बैकबोन, उसको बोलते हैं वर्टिब्रा. और यूजुअली 33 वर्टिब्रा बोन्स होती हैं, 33 छोटी छोटी बोन्स होती है जो पूरी बैकबोन बनाती हैं. द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रा. एज आई सेड, मैंने आपको पहले ही बता दिया, 33 वर्टिब्रा होती है एक रिब के अंदर. द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन्स. जो रिब केज है वो क्या करता है, आगे वाले चेस्ट बोन से लेके पीछे वाले बैक बोन तक कवर करता है, इसी बैक बोन को वो टच करता है. इफ बैक बोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड. अगर ये एक छोटी छोटी वर्टिब्रा से बनी हुई नहीं होती, और बाय चांस अगर ये एक सीधी हड्डी से या लकड़ी से बनी हुई होती, तो क्या आपका फ्रेंड बेंड कर पाता? Not possible, हो ही नहीं पाता. Make your friend stand with both hands pressed on the wall and ask her to push the wall. अपने फ्रेंड को बोलिए कि अपने हाथों को वॉल पे रखे और पुश करने की कोशिश करे, वॉल को धक्का देने की कोशिश करे. अगर ये इस प्रोसेस में यहाँ पे इस साइड और इस साइड दो बोन्स आपको फील होंगी, तो दो बोन्स है एक्चुअली शोल्डर बोन्स. शोल्डर्स पे के आसपास जो बोन है वो कहलाती है शोल्डर बोन्स. मेक योर फ्रेंड स्ट्रेट विद योर हैंड्स प्रेसिंग टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश. डू यू नोटिस टू बोन्स ऑन द बैक एंड प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर. कुछ प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर दिखेगा आपको पीछे, वो कहलाएगा शोल्डर बोन्स. दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स. ऑब्जर्व फिगर 8.3 केयरफुली. दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ पेल्विक बोन्स. अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे 8.3 दिख रहा है राइट साइड में, 8.3 का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कहलाता है पेल्विक बोन. दिस इंक्लोज द पोर्शन ऑफ द बॉडी बिलो द स्टमक. स्टमक के आपके पेट के नीचे का जो भी पार्ट है वो यही पेल्विक बोन से बना होता है. और दिस इज़ द पार्ट यू सिट ऑन. यही ऐसा पार्ट है जिसके हेल्प से या जिसके वजह से आप बैठ पा रहे हैं, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सिट. द स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स जॉइन टुगेदर. स्कल एक्चुअली में है क्या, ये जो हमारी पूरी हड्डी है, सर की हड्डी है, इसको बोलते हैं स्कल, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, इसको बोलते हैं पूरा स्कल. और स्कल बहुत सारी बोन्स से बना होता है, बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं उसके बीच में. इट इंक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी द ब्रेन. ये क्या कर रहा है, हमारे बॉडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ब्रेन, उसको प्रोटेक्ट करता है. वी डिस्कस मेनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ द स्केलेटन. भी हमने बहुत सारी बोन्स के बारे में बात कर ली जो स्ट्रक्चर बनाती हैं. दे आर सम एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट सो हार्ड एज द बोन्स एंड विच कैन बी बेंड. अब हमारे स्केलेटन में बोन्स के अलावा कुछ ऐसा पार्ट और है जो कि ज़्यादा टफ नहीं होता, लेकिन वो बेंड भी हो सकता है आराम से, और ज़्यादा टफ भी नहीं होता. दे आर कॉल्ड कार्टिलेज. कार्टिलेज अगर आपने सुना हो, कार्टिलेज ऐसी बोन ही होती है, ये भी एक टाइप की, लेकिन कार्टिलेज एक ऐसी चीज़ होती है जो बोन जितनी हार्ड नहीं होती और बेंड भी हो सकती है. फील योर ईयर. अपने कानों को फील करिए, हाथ लगा के देखिए. डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट दैट कैन बी बेंड. कुछ ऐसा हार्ड टाइप फील होगा, इसको ऐसे बेंड करिए, ऊपर से और नीचे से पकड़ के इसे बेंड करने की कोशिश करिए.
कि आपको कुछ ऐसा टफ टफ टाइप फील हो रहा है, बोनी टाइप जो कि बेंड हो पा रहा है इजीली. देयर डजंट सीम टू बी एनी बोन हियर, इजंट इट? कुछ ऐसी बोन्स तो फील नहीं होंगी आपको. डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव? अब कि कान के नीचे वाला पार्ट और कान के ऊपर वाला पार्ट फील हो रहा है, थोड़ा कुछ डिफरेंट फील हो रहा है. डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट इन द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव एज यू प्रेस देम बिटवीन द फिंगर्स? मैंने आपको करके बता दिया, फिंगर्स पे प्रेस करके देखिए क्या आपको दो चीज़ फील हो रही है. डू यू फील समथिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज़ नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब बट नॉट हार्ड एज अ बोन? ये आपको कुछ ऐसा फील हो रहा होगा जो यहाँ पे तो यार टफ है, नीचे वाली साइड ना सॉफ्ट है. व्हाट इज़ इट? इट इज़ कार्टिलेज. कार्टिलेज इज़ ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी. कार्टिलेज होती तो एक्चुअली बोन जैसी है, टफ टफ टाइप, कम टफ होती है बट होती है, लेकिन इतनी सॉफ्ट होती है कि वो आराम से बेंड हो पाता. अभी तो मैम हमेशा कान खींच लेती हैं, कान रोटेट कर सकती हैं क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है. और कार्टिलेज दूसरी एक और जगह पाया जाता है जो कि बोन्स की, जो हमारी बोन्स है उसके आसपास भी थोड़ा कार्टिलेज पाया जाता है, जो जॉइंट्स हो गए एक्चुअली. वी हैव सीन दैट द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स. अब आप ये चीज़ देख सकते हैं कि आपका जो स्केलेटन है वो बहुत सारी बोन्स से बना हुआ है, जॉइंट से बना हुआ है, कार्टिलेज से बना होता है. यू कुड फील बेंड एंड मूव एनी मेनी ऑफ देम. आप उनको फील कर सकते हो, बेंड कर सकते हो, मोड़ सकते हो, मूव कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों को. ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक. जो हमने पुराना स्केलेटन का हमने जो स्ट्रक्चर देखा था, फिगर 8.7 पेज नंबर 70, आपको ये स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में बनाना है नीट एंड क्लीन. हम ये टॉपिक आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है. नेक्स्ट टॉपिक होगा मसल्स. हम मसल्स के बारे में नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.